नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक में आपको एक बहुत ही गूढ़ जानकारी हम आज प्रदान करेंगे, और ऐसा मेरा विश्वास है कि यदि आप इन कुछ सूत्रों को, इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, तो महाराज जी से आपका जो जुड़ाव है, जो घनिष्ठता है, वो ऐसी हो जाएगी कि जब भी आप महाराज जी को बुलाएंगे, महाराज जी स्वयं आकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आज महाराज जी से जुड़े हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्त हैं महाराज जी के, जितने भी अनुयायी हैं, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ही लालसा रहती है कि महाराज जी किसी न किसी प्रकार से अपनी जो अनुकंपा है, अपने जो दर्शन है, अपने जो ज्ञान मार्ग के लिए प्रदान किए जाने वाले आशीर्वादमय वाणी है, वह महाराज जी किसी न किसी तरह से उन्हें प्रदान करें। सभी का यही प्रयास रहता है और हर कोई इसी के लिए प्रयासरत है। महाराज जी के द्वारा कुछ ऐसे कथन आज आपको बताएंगे जो स्वयं महाराज जी ने कहा है, और महाराज जी की जो वाणी है वह अकाट सत्य है। इस पिछले क्रमांक में भी मैंने आपको यही बताया है कि महाराज जी ने जो स्वयं वार्ता कही है, स्वयं जो नियम बताया है, वह यदि आप जीवन में लेकर आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर महाराज जी के साथ एक घनिष्ठ जुड़ाव महसूस होगा। महाराज जी का एक कथन है कि जब भी कोई हृदय से हमें पुकारता है, उसकी आर्त सुनकर हम स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और हम स्वयं आ जाते हैं। इस वाक्य का अगर आप थोड़ा सा गहनता से इस वाक्य को समझते हैं महाराज जी के, तो कहने का आशय यह है कि यदि आप महाराज जी को अपने करुण स्वर में, अपने सच्चे हृदय से पुकारते हैं, तो महाराज जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी घटना के तौर पर, किसी न किसी प्रकार से आपके साथ एक आपको एक आश्वासन देने के लिए, आपको एक तरह से आशीर्वाद देने के लिए किसी न किसी तौर पर आ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात जो मैं प्रत्येक विशेषांक में आपको कहता हूँ, आप कोई भी विशेषांक हमारा उठाकर देख लीजिए, प्रत्येक विशेषांक में एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपकी महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव और घनिष्ठता जितना ज़्यादा होगी, जितना अधिक आप महाराज जी के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, तो आप पाएंगे कि महाराज जी आपको सदैव आपके इर्द गिर्द किसी न किसी प्रकार से अनुभव होते रहेंगे, और यह अनुभव होना आपके लिए बहुत चमत्कारिक है, क्योंकि आपकी किसी करुण पुकार पर, आपकी करुणामयी शब्दों से, या आपके करुणामयी जो रुंदन है महाराज जी के लिए, उससे अगर महाराज जी को आप करुणामय कर देते हैं, तो महाराज जी अपने आप को रोक नहीं पाते, महाराज जी खिंचे चले जाते हैं। आपको करना मात्र इतना है कि आप अपनी प्रार्थना में महाराज जी को करुणामयी स्वरों से पुकारिए। और करुणामयी स्वर आप कैसे महाराज जी के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं कि जब तक आपकी जो श्रद्धा है महाराज जी के लिए, जो झुकाव है, जो प्रभाव है आपकी भक्ति का, वह महाराज जी के चरणों में आप पूर्णतः अर्पित कर दीजिए। आप महाराज जी को अपना सर्वस्व सौंप दीजिए, अपनी जो पतवार है जीवन की वह महाराज जी के हाथों में सौंप दीजिए कि महाराज जी आप मेरे सभी कष्ट जानते हैं, आप मेरे हृदय की जो वेदना है उसको समझते हैं, मेरे जो कष्ट हैं उनसे आप अवगत हैं, तो महाराज जी मैं इस परेशानी से स्वयं उभर नहीं पाऊंगा, आपको मेरा साथ देना होगा, आपको मेरी परेशानियों में मेरा जो साथ है, मेरा जो हाथ है उसे थाम कर चलना होगा, और आप ही के जो कल्याणकारी जो हस्तकमल है उन्हीं से आप मुझे इस भंवर से निकालिए, आप मुझे किसी न किसी प्रकार से मेरे परेशानियों से खींच कर ऐसे बाहर निकालिए कि जैसे मेरी जो नैया है, डूबती नैया को, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो उसी प्रकार महाराज जी ही वह एकमात्र सहारा हैं जो आपको आपकी सभी परेशानियों से निकालने में सक्षम है। तो महाराज जी को आप हृदय से याद करिए, किसी न किसी प्रकार से आप महाराज जी को अपनी सारी परेशानियां बताइए, आपको संकोच नहीं करना है,
भक्ति में संकोच का कोई कार्य नहीं है। भक्ति में यदि आप संकोच करते हैं, इसका मतलब आप अपने इष्ट पर प्रभाव नहीं बना पाए हैं, आप अपने इष्ट पर विश्वास नहीं रखते हैं। ये शब्द थोड़े से कठोर हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी भक्ति भाव पर विश्वास रखना है, अपनी श्रद्धा पर विश्वास रखना है। महाराज जी पर विश्वास रखना तो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रेम की डोर है, ये जितनी ज़्यादा कमज़ोर होगी, उतना ज़्यादा आप महाराज जी से खुद को दूर पाएंगे। आपको महाराज जी से करीबी बनाने के लिए महाराज जी को सहृदय याद करना होगा, अपनी परेशानियों को निसंकोच कहना होगा, तभी आपकी परेशानी का समाधान आप महाराज जी से प्राप्त कर पाएंगे। तो यह था आज का विशेषांक। आपको महाराज जी के जो अकाट वाक्य हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं सुन पाए हैं, पुनः आप इस वीडियो को, इस क्रमांक को पीछे ले जाइए, महाराज जी के वाक्य को सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी कभी भी अपने किसी भक्त का जो हृदय है, उस करुणामय हृदय को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, महाराज जी स्वयं को रोक नहीं पाते हैं, किसी न किसी तौर पर महाराज जी आपके लिए आ जाते हैं। तो आप महाराज जी को सहृदय याद करिए, अपनी भक्ति से याद करिए, निश्चित तौर पर आप महाराज जी को अपने नज़दीक पाएंगे और अपने जीवन में कल्याण का अनुभव कर पाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक आपके जीवन में कुछ न कुछ मूल्यता अवश्य लेकर आएगा। किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्न प्रतिक्रियाओं के स्वरूप में कहिएगा। प्रत्येक जो प्रश्न होता है, उसका उत्तर देना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, लेकिन जो बहुत बहुत ज़्यादा आपके जो प्रश्न आते हैं, उनका किसी न किसी रूप से प्रतिक्रिया के तौर पर मैं स्वयं उत्तर देता हूँ। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य लिखते रहिएगा। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।